नगर आयुक्त दिलीप ढोले और उपायुक्त मारुति गायकवाड़ आखिरकार गुरुवार को पेडलर्स के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सड़क पर उतर ही आए। बड़ी संख्या में ठेले पेडलर्स दुकानदारों द्वारा सड़क को प्राधिकरण व अवैध पार्किंग को देख आयुक्त आक्रोशित हो गए। उन्होंने पेडलरों को बिजली आपूर्ति करने वाले दुकानदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए। पेडलर्स को स्थानांतरित करने से लेकर मीरा भेंदर तक स्थानीय माफिया ठेले किराए पर लेने, बिजली की आपूर्ति करने और उन्हें सुरक्षा प्रदान करने जैसे विभिन्न काम करते हैं। बाजार में रिकवरी बहुत बड़ी है। इसमें कुछ नगर सेवक, नगर पालिका कर्मचारी, फेरी वाले, टीम प्रमुख और वार्ड अधिकारी शामिल है। फुटपाथों पर और सड़कों पर लोगों को चलने के लिए जगह नहीं बची है, लेकिन ट्रैफिक बहुत है। महासभा में नगर सेवकों द्वारा आयुक्त ने पेडलरों के मुद्दे पर प्रशासन पर निशाना साधते हुए कहा कि तस्करों के खिलाफ की गई कार्रवाई में नगर सेवकों को दखल नहीं देना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है और नगर सेवक दखल देते हैं। उपायुक्त मारुति गायकवाड़ ने विभिन्न वार्डो में अनधिकृत पेडलरों का निरीक्षण किया है और अनधिकृत पेडलर्स और दुकानों के बाहर बने लीफ शेड के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए हैं। उन्होंने वार्ड अधिकारी को निर्देश दिया है कि अगर दस्ते के मुखिया द्वारा फेरी वाले की अनदेखी की जाती है तो वे कार्रवाई करें। अंततः बुधवार की शाम से देर रात तक आयुक्त व उपायुक्त ने खुद कार्रवाई की। आयुक्त ने यह भी पूछा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 16 फीट सड़क पर बड़ी कार्रवाई की है। सीमेंट से बनी इस मुख्य सड़क पर पेडलरों का कब्जा है, इसलिए शाम के समय यहां एक तरफा यातायात करना पड़ता है। इस मार्ग पर चलने वालों के लिए जगह नहीं बचती है। उनका तनाव मुख्य छत्रपति शिवाजी महाराज मार्ग पर आता है और बड़ी दुविधा होती है। दंगा गियर में पुलिस ने ट्रक द्वारा सैकड़ों प्रदर्शनकारियों को हटाते हुए शुक्रवार को एक रैली की। कार्रवाई के दौरान तस्करों और दुकानदारों का सामान जब्त कर लिया गया। ठेले बिना लाइसेंस के स्टॉल, अनधिकृत वेंडरों के साथ साथ प्लास्टिक बैग रखने वाले पेडलर्स पर भी जुर्माना लगाया गया। नो पार्किंग क्षेत्र में से दोपहिया और चार पहिया वाहनों के पंखे हटा दिए गए। जो दुकानदार अपनी ही दुकानों से रेहड़ी पटरी वालों को अनधिकृत रूप से बिजली की आपूर्ति करते हैं, आयुक्त ने दुकानदारों पर मुकदमा दर्ज करने के लिए निर्देश गुरुवार को नगर पालिका के मीरा रोड, भेंदर पूर्व और भेंदर पश्चिम में कई स्थानों पर सड़क व फुटपाथ पर अतिक्रमण दुकानदारों पर नकेल कसना शुरू कर दिया है। मीरा रोड क्रीक पर वर्षावे पुल की मरम्मत का काम राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है। इस दौरान 13 से 15 नवंबर तक क्रीक ब्रिज भारी वाहनों के लिए बंद रहेगा। इस दौरान पुल से हल्के वाहन आने पर भी इन वाहनों के लिए एक ही लेन खुली रहेगी। चूंकि पुल पर काम लगातार 3 दिनों तक जारी रहेगा, इसलिए अगले 3 दिनों तक मुंबई से गुजरात के लिए यातायात बंद रहेगा। भेंदर क्रीक ब्रिज इतना पुराना है कि पुल के एक तरफ का गर्डर टूट जाने के कारण काफी समय से पुल मरम्मत के लिए बंद था, लेकिन समय समय पर पुल पर काम होता रहता है। पुल की मरम्मत का काम पहले राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया गया था। हालांकि राजमार्ग प्राधिकरण को ठाणे में जटिल यातायात भीड़ के कारण पुल के काम के लिए जारी अधिसूचना को 2 बार रद्द करना पड़ा। इससे पहले 26 से 28 सितम्बर के बीच पुल की मरम्मत का कार्य के लिए पहली अधिसूचना जारी की गई थी और भारी वाहनों को प्रवेश करने से रोक दिया जाना था, लेकिन ट्रैफिक जाम के कारण अधिसूचना रद्द करनी पड़ी। इसके बाद 30 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच पुल को फिर से बंद करने का आदेश आया और मरम्मत का काम शुरू करने को कहा। हालांकि अधिसूचना को फिर से रद्द करना पड़ा। अब 13 से 15 नवंबर के बीच इस अधिसूचना को हटा दिया गया है और पुल का काम आखिरकार शुरू कर दिया गया है। चूंकि 3 दिनों के लिए पुल का काम शुरू हो गया है, इसलिए भारी वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध कराए गए हैं। ऐसे में अगले 3 दिनों तक वैकल्पिक मार्ग पर जाम की समस्या उत्पन्न हो सकती है। 7-Eleven क्लब के बारे में नए पटाखे फूट रहे हैं, जो विभिन्न कारणों से लगातार विवादों में रहता है। सीआरजेड और बफर जोन में भाजपा के पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता की खुदाई भी चल रही है और प्रतिबंधित क्षेत्र में अवैध निर्माण का बोलबाला है। जिस जगह पर अभी खुदाई चल रही है, उस जगह पर क्या बनाया जाएगा, ये सवाल मीरा भेंदर के लोगों के सामने है। पिछले कुछ सालों से नरेंद्र मेहता पर राजनीति का आरोप लगते रहे हैं। भाजपा में ही महिला पदाधिकारियों द्वारा लगाए गए आरोपों से मेहता की बदनामी हुई, फिर भी उनका कारनामा जारी था। सारे नियम तोड़ते हुए 7-Eleven ने एक 5-स्टार क्लब बनाया। खास बात यह है कि किसी राज्य या राष्ट्रीय राजमार्ग के न होने पर फर्जी तरीके से अतिरिक्त FSI को मंजूरी भी दी गई। उन्होंने अनगिनत जंगलों को काटकर इस क्लब की स्थापना भी की। अब
पोकलेपन से फिर से खुदाई शुरू हो गई है। पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता ने 7-11 क्लब के विकास नियंत्रण नियमों के उल्लंघन और कार्यालय के दुरुपयोग में 7-11 क्लब के 5 सितारा होटल के लिए अवैध रूप से परमिट प्राप्त किया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत 6 अपराध दर्ज होने के बावजूद निर्माण की अनुमति दी गई थी। यह अनुमति किसने और कैसे दी, एक सवाल यह भी उठता है। सीआरजेड क्षेत्र में सीटों को कानूनी आधार पर पट्टे पर दिया जाता है। मजदूरों के लिए अवैध पुरानी कार पार्किंग लॉन झोपड़ियों का निर्माण कराया गया है। परिणाम स्वरूप मैंग्रोव के जंगलों को काफी हद तक क्षरण हो रहा है, यानी कि नुकसान हो रहा है, और नगरपालिका प्रशासन और राजस्व व्यवस्था इनकी अनदेखी कर रहा है।